हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो पंजाब में शराब कांड ने कांग्रेस के भीतर उथल पुथल मचा दी है। कांग्रेस सांसद प्रताप सिंह बाजवा अपनी ही सरकार पर विरोधियों की तरह वार कर रहे हैं, जिसके बाद बाजवा और अमरिंदर खुलकर एक दूसरे के सामने खड़े हो गए हैं। अमरिंदर ने बाजवा की सुरक्षा हटाने का फैसला किया तो नाराज बाजवा ने पंजाब के डीजीपी को चिट्ठी लिखकर उनके कामकाज के तरीके पर सवाल उठा दिए। बिल्कुल, और इसके बाद तो बाजवा को जवाब देने खुद कैप्टन साहब को सामने आना पड़ा। पंजाब में कांग्रेस की कल है, समझने के लिए पहले हमारी ये रिपोर्ट देखिए। और मैं आपको बता दूं, हमारे सहयोगी जगविंदर पटियाल भी हमसे जुड़ेंगे जो बहुत करीब से इस पूरे मामले को देख रहे हैं। राजस्थान में कांग्रेस का झगड़ा थमते ही पंजाब में झगड़ा शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह के खिलाफ बाहर वालों से बड़ा मोर्चा अपनों ने खोल रखा है। राज्यसभा सांसद प्रताप सिंह बाजवा और शमशेर सिंह दुलो कैप्टन सरकार को पानी पी पी कर कोस रहे हैं, शराब माफिया से सांठगांठ के आरोप लगा रहे हैं, सीबीआई और ईडी की जाँच की मांग कर रहे हैं। अपनी सुरक्षा हटने के बाद प्रताप सिंह बाजवा ने चिट्ठी लिखकर पंजाब के डीजीपी दिनकर गुप्ता को अपनी नाराजगी जताई। बाजवा ने यह भी लिखा कि सुरक्षा वापस लेने से उन पर या उनके परिवार पर कोई आंच आई तो उसके जिम्मेदार सीएम अमरिंदर सिंह और डीजीपी दिनकर गुप्ता होंगे। डीजीपी पर हुए हमले का जवाब देने कैप्टन को खुद मैदान में आना पड़ा। कैप्टन ने कहा, बाजवा की सुरक्षा हटाने का फैसला मेरा था। बाजवा को कोई गिला शिकवा है तो डीजीपी पर हमला करने के बजाय वो मुझे लिखे। अगर बाजवा को पंजाब सरकार पर विश्वास नहीं तो कांग्रेस हाईकमान के पास जाएं। कैप्टन और बाजवा के इस झगड़े की शुरुआत पिछले हफ्ते हुई थी। पंजाब में जहरीली शराब से हुई मौतों के बाद बाजवा और सांसद शमशेर सिंह दुलो पंजाब के राज्यपाल से मिले थे। दोनों ने कैप्टन सरकार पर शराब माफिया की अनदेखी करने का आरोप लगाते हुए सीबीआई जांच की मांग की थी। कैप्टन खेमे ने दोनों सांसदों के खिलाफ अनुशासनहीनता का राग छेड़ा तो बाजवा और दुलो ने कैप्टन और पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष सुनील जाखड़ पर बड़े बड़े आरोप लगा दिए। बाजवा के आरोपों के बाद कैप्टन सरकार ने उनकी सुरक्षा में लगे पंजाब पुलिस के 6 जवान और स्कॉट गाड़ी ये कहते हुए हटा ली कि बाजवा को कोई खतरा नहीं है। उसी फैसले के खिलाफ बाजवा ने अब ये चिट्ठी लिखी है। और कांग्रेस सांसद प्रताप सिंह बाजवा ने डीजीपी को भेजी चिट्ठी में क्या लिखा, उसका मजमून आपको दिखा देते हैं। और केंद्र और राज्य दोनों सरकारों की इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक सबको ये जानकारी है कि 4 दशक से राष्ट्र विरोधी और कट्टर सोच वाले लोगों से मेरी जान को खतरा है। राजनीतिक हस्तक्षेप के चलते उनकी सुरक्षा वापस ली गई है। राज्य पुलिस पंजाब के मुख्यमंत्री के कहने पर काम कर रही है और जिस आधार पर मुझे दी गई थी पुलिस सुरक्षा उसको वापस ले लिया गया है। उसी आधार पर पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल, सुखबीर सिंह बादल और अकाली नेता बिक्रम सिंह मजीठिया की पुलिस सुरक्षा वापस क्यों नहीं ली गई? और अगर उन पर या उनके परिवार पर कोई आंच आई तो उसके जिम्मेदार सीएम अमरिंदर सिंह और डीजीपी दिनकर गुप्ता होंगे। तो बस इस चिट्ठी के बाद ही बवाल पूरा खड़ा हो गया। डीजीपी ने सुरक्षा की विड्रॉ की बाजवा साहब की कि बाजवा साहब ने पूरा जिसे कहा है कि जंग छेड़ दिया। तो पंजाब में जहरीली शराब से मौत को लेकर कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार चारों तरफ से घिरती हुई दिखाई दे रही है। और पार्टी के अंदर से कैप्टन की सरकार पर भी सवाल उठ रहे हैं तो विरोधी भी सड़कों पर उतरकर पुराने वादे की याद दिला रहे हैं और कैप्टन सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। शराब कांड, अकाली दल के साथ आम आदमी पार्टी भी लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही है। जहरीली शराब से अब तक 121 लोगों की मौत की बड़ी घटना के बाद चंडीगढ़ में राजभवन के बाहर ये तस्वीरें अब रोज की बात हो गई है। बिल्कुल, और ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इन तस्वीरों को साथ में लेकर चलते हैं हमारे सहयोगी जगविंदर पटियाल जो पंजाब की नस नस से वाकिफ हैं और उनके पास पूरा तीत है। तो बस अभी थोड़ी देर में हम जगविंदर पटियाल के पास भी जाएंगे। अभी आपकी तस्वीरें देख रहे हैं कि किस तरीके से जहरीली शराब से लोग मर रहे हैं और सियासत उससे ज्यादा जहरीली हो चुकी है कांग्रेस के भीतर। शोभना, इस तरीके के जो हालात हैं। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं कैप्टन साहब यानी कैप्टन अमरिंदर सिंह के लिए मजबूरी ये खड़ी हो गई है कि खुद उनकी पार्टी के लोग उनके खिलाफ खड़े हो गए। जिस तरीके से प्रताप सिंह बाजवा लगातार उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, अब खुद कैप्टन अमरिंदर सिंह को सामने आकर सफाई देनी पड़ रही है। अच्छा, गजब बात है शोभना, कांग्रेस हमेशा अपने से ही लड़ती रही है। कभी राजेंद्र कौर भट्टल, कभी प्रताप सिंह बाजवा, फिर सिद्धू। आप देखिए, लगातार कैप्टन अमरिंदर केंद्र में होते हैं, मुख्यमंत्री भी वही बनते हैं और आला कमान खासतौर से जब राहुल गांधी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे उस समय वो कैप्टन अमरिंदर को मुख्यमंत्री नहीं बनाना चाहते थे, लेकिन कैप्टन अमरिंदर के बगैर पंजाब में चुनावी नैया भी पार नहीं हो सकती थी। तो बाकी सब लोगों को पीछे छोड़ के कैप्टन अमरिंदर को आगे लाना पड़ा। और ये बता देते हैं हम अपने दर्शकों को कि अब तक क्या हुआ है। शराब कांड में पंजाब के 3 जिलों में
121 लोगों की मौत हुई है, कोई मामूली आंकड़ा नहीं है ये। तरनतारन, अमृतसर, गुरदासपुर में ज्यादा मौतें हुई थी। बिल्कुल, और इसके बाद भी आप देख सकते हैं, तरनतारन में ही अकेले करीब 80 लोगों की मौत हुई थी। शराब कांड कितना जहरीला, कितने लोगों की जान ले चुका है। और मौत के पहले 5 मामले 29 जुलाई को आए थे और उसके बाद से लगातार ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है और सियासत भी बढ़ती जा रही है। और अमृतसर के तारसिक्का में 5 लोगों की मौत हुई थी, तो जिस तरीके से इस पूरे जो घटनाक्रम जिस तरीके से आगे बढ़ा इस जहरीली शराब कांड के बाद, अब वो अमरिंदर सिंह के लिए कहीं ना कहीं नाक में दम का सबब बना हुआ है। 2 डीएसपी और 4 एसएचओ को निलंबित कर दिया गया है, लेकिन प्रताप सिंह बाजवा जो लगातार अपनी ही सरकार के खिलाफ, अपने ही मुख्यमंत्री के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं, वो चिंता का सबब जरूर। 7 आबकारी अधिकारियों को निलंबित किया गया इस पूरे शराब कांड में। बिल्कुल शोभना, लेकिन अगर आप देखें तो जो ये बवाल राजनीतिक मचा है, विपक्षी दल आम आदमी पार्टी या भारतीय जनता पार्टी तो भले इसमें कर रहे हो, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये जो बवाल मचा है वो मचा हुआ है सुरक्षा हटाने को लेकर। मैं सीधे हमारे सहयोगी जगविंदर पटियाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। जगविंदर, कुल मिलाकर ये जहरीली शराब से लोगों की जान जा रही है, उससे ज्यादा चिंता या कहें कि ज्यादा बड़ा मुद्दा आपसी अहम का टकराव बना हुआ है? देखिए, आपसी अहम का टकराव क्यों शुरू हुआ, मुझे ये लगता है कि कांग्रेस हाईकमांड राजकिशोर शुरू से ही आखिरी ओवर तक का वेट करती है कि कब स्थितियां इतनी खराब हो जाएं कि लोग आपस में सिर्फ उटब्बल शुरू कर दें, उसके बाद वो इंटरवीन करते हैं। यही मध्य प्रदेश में हुआ, यही राजस्थान में हुआ, और अब यही खेल जो है वो पंजाब में शुरू हो गया है। आप नवजोत सिद्धू का एपिसोड देख लीजिए। नवजोत सिद्धू पिछले 1 साल से घर बैठे हुए हैं, उनकी कैप्टन के साथ अनबन हुई, उसमें कोई दखल नहीं दिया, किसी भी तरह से उस झगड़े को सुलझाने की कोशिश नहीं की गई हाईकमांड की तरफ, और वो गुबार लेकर मन में बैठ गए अपने घर पर। उसके बाद जब कोई नतीजा नहीं निकला तो अब प्रताप सिंह बाजवा शुरू हो गए हैं। बेशक शराब कांड से शुरुआत हुई है, लेकिन आप समझिए कि कांग्रेस के लिए स्थितियां इतनी बिगड़ गई हैं कि ना सिर्फ विपक्षी दल मजे ले रहे हैं बल्कि अंदर वाले भी ये कह रहे हैं कि ये तो एक दिन होना ही था। अब सवाल ये उठता है कि अगर कैप्टन अपने लोगों की नहीं सुन रहे हैं तो वो हाईकमांड के पास जाते हैं, हाईकमांड के पास जाकर अगर वो लोग गिला करते हैं तो कैप्टन हाईकमांड की नहीं सुनते हैं। आखिरकार कांग्रेस में ये दौर शुरू क्यों हुआ और क्यों आखिरी ओवर तक इंतजार किया जाता है? मुझे ये लगता है कि ये जो राजनीति शुरू हुई है ना, अब ये कांग्रेस में अब 2022 तक चलेगी जब तक कि चुनाव नहीं आ जाते। खुलेआम प्रताप सिंह बाजवा कह रहे हैं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटा दीजिए और सुनील जाखड़ जो पार्टी प्रधान है वो उनके तोते के रूप में काम कर रहे हैं, उनको हटा दीजिए, और ये लोग जो हैं वो लोगों की उम्मीदों पर खरे नहीं उतर रहे, कांग्रेस ही नाराज है। इस तरह के खुलेआम जो आरोप है वो एक पार्टी के लिए कितने खराब है ये स्थिति आप अंदाजा लगा सकते हैं। जगविंदर, आपने मध्य प्रदेश का जिक्र किया, आपने राजस्थान का जिक्र किया, अनुशासनहीनता के लगातार मामले कांग्रेस में सामने आते ही रहते हैं। मेरा सवाल आपसे यह है कि अब आगे क्या कैप्टन साहब कैसे संभालेंगे इस स्थिति को? खुलकर उन्हें अब सफाई देने के लिए खुद आना पड़ रहा है बाजवा साहब की। देखिए, ये एक अच्छी बात है भाजपा के लिए, पहले उनको गिला रहता था कि मेरी बातों का जवाब ही नहीं देते हैं कैप्टन, लेकिन अब कैप्टन दबाव में है। एक तो शराब कांड हो गया है, विपक्षी दल हल्ला बोल रहे हैं, प्रदर्शन किए जा रहे हैं लगातार, और दूसरा पार्टी के अंदर से ही सीबीआई और ईडी की जांच की मांग उठ रही है, इसलिए कैप्टन साहब को जवाब देना पड़ता है। अब उन्हें लग रहा है कि चौतरफा हमले हो रहे हैं, लेकिन हाईकमांड पर बहुत कुछ निर्भर करता है। अगर बाजवा के खिलाफ, शमशेर सिंह दुल्लो के खिलाफ हाईकमांड अब चुप रहता है तो कैप्टन को एक बात समझ लेनी चाहिए कि उनके इस खेल में कहीं ना कहीं हाईकमांड का इशारा भी है। और अगर हाईकमांड सुलह सफाई पर आता है तब भी मान लीजिए ये प्रताप सिंह बाजवा की ही जीत होगी, क्योंकि कैप्टन जिस अंदाज में आज तक सियासत करते आए हैं उस अंदाज में अब उनके विरोधी सियासत कर रहे हैं, हमले बोल रहे हैं। और कैप्टन ने जिस तरह से बाजवा के नाक में दम कर दिया था जब उनको पार्टी प्रधान की कुर्सी दी गई थी, उसी तरह से बाजवा ने अब कैप्टन अमरिंदर सिंह के नाक में दम कर रखा है। बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार हाईकमांड अब इस मसले को कैसे सुलझाएगा, हाईकमांड की पूछ बढ़ेगी अब पंजाब में। बिल्कुल जगविंदर, यही बात है कि हाईकमान, जो बात आपने बहुत सही बात कही, इसको इससे कम लफ्जों में नहीं समझाया सकता था कि आखिरी ओवर तक इंतजार करती है। लेकिन सवाल यह कि बार बार कैप्टन अमरिंदर, कभी बाजवा उनसे परेशान होते हैं, कभी भट्टर परेशान होती हैं, नवजोत सिंह सिद्धू को लाया जाता है जो वहां पर स्टार प्रचारक के तौर पर उभरते हैं और कांग्रेस के लिए वो काम भी करते हैं, लेकिन हर एक व्यक्ति को नेपथ्य में भेज दिया जाता है। आखिर कैप्टन अमरिंदर का ये जो ब्लू ब्लड सिंड्रोम है उसके आगे पार्टी घुटने क्यों टेक देती है?
देखिए कैप्टन अमरिंदर सिंह अपने स्टाइल की राजनीति करते हैं, वो सेल्फ स्टाइल्ड राजनीति के लिए जाने जाते हैं। चाहे 2002 का पहला मुख्यमंत्री काल देख ले, उसमें भी राजेंद्र कौर भट्टल ने उनके खिलाफ बगावत की थी, राजेंद्र कौर भट्टल को डिप्टी सीएम बनाया गया, लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह कभी हथियार नहीं डालते। अब स्थिति यह बन गई है कि पब्लिक ओपिनियन थोड़ा खराब हुआ है कैप्टन सरकार के बारे में। पहली बात यह है कि जब पार्टी के अंदर के लोग कह रहे हैं कि इन्होंने जो चुनावी वादे किए थे, जो ड्रग्स को लेकर काम करना था, जो घर घर नौकरी देनी थी, जो तमाम लोगों के साथ लंबे चौड़े 125 पेज के वादे किए थे, वो पूरे नहीं हुए। अब ये लोग नहीं कह रहे हैं, पार्टी के अंदर के लोग कह रहे हैं, हाईकमांड चुप है इस पर। तो लोगों को ये लग रहा है कि कैप्टन ने वादे पूरे नहीं किए, इसलिए हमारी आवाज उनके पार्टी के लोग उनके कानों तक पहुंचा रहे हैं। अफसरशाही तक ये झगड़ा पहुंच गया है, डीजीपी को लेकर सवाल उठाने शुरू कर दिए गए हैं। एक गलती कैप्टन अमरिंदर सिंह से ये हुई है, उन्होंने चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी मियां बीबी यानी एक ही घर में दोनों पावर सेंटर बना दिए, जिसको लेकर राजनीतिक हलकों में और लोगों में ये चर्चा है कि डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी जब मियां बीबी को बना दिया जाएगा तो बाकी अधिकारी क्या करेंगे। और जिन दो विभागों के मसले उठ रहे हैं, चाहे वो पुलिस का काम था शराब की जहरीली शराब को रोकना या फिर एक्साइज डिपार्टमेंट का, वो दोनों महकमे कैप्टन अमरिंदर सिंह के हैं। इसलिए कहा यह जा रहा है कि जवाबदेही और जिम्मेवारी सीधी सीधी कैप्टन अमरिंदर सिंह की बनती है। बिल्कुल ठीक है, इन तमाम चीजों को लेकर कैप्टन घिरे हुए हैं, इसलिए बाजवा ने सही मौके पर चौका मारा है। बिल्कुल जगविंदर, मौके पर चौका मारा है प्रताप सिंह बाजवा ने। आप बने रहिए हमारे साथ। मैं ग्राफिक्स के जरिए अपने दर्शकों को ये समझाना चाहती हूँ कि आखिर कैप्टन अमरिंदर सिंह पर इस तरह के सवाल क्यों उठ रहे हैं। तो शराब कांड ने घर में ही कराया घमासान, नजर रखना पुलिस एक्साइज विभाग का काम, दोनों विभाग अमरिंदर सिंह के पास है, तो कैप्टन सरकार के ऊपर, खुद अमरिंदर सिंह के ऊपर सवाल तो खड़े होंगे ही। और 2017 में अमरिंदर ने कसम खाई सीएम बनने पर, चार हफ्ते में नशे की सप्लाई चेन तोड़ देंगे। चेन तो नहीं टूटी, लेकिन तीन साल में एसटीएफ के गठन के अलावा अमरिंदर कुछ नहीं कर पाए और लोगों की जान जा रही है। बिल्कुल, और तब जब वो मंत्रालय आप ही के पास है, मजीठिया को जेल भेजने की बात कही थी, अब अकाली को हिसाब लेने का मौका मिल गया है। तो जाहिर सी बात है कि अब जब कैप्टन अमरिंदर सिंह अपनी ही पार्टी में घिरे हुए हैं तो विपक्षियों के पास तो मौका है ही। जगविंदर, एक बार मैं फिर आपका रुख करूंगी, आप बहुत अच्छी तरह समझा रहे हैं पूरी पंजाब की सियासत को, लेकिन जिस तरीके से कैप्टन अमरिंदर सिंह राजनीति करते हैं, क्या लग रहा है अब वो उनकी सरकार के लिए ही संकट बनता जा रहा है उनका अपना स्टाइल? बिल्कुल, उनका स्टाइल संकट बनता जा रहा है। मुझे ये लगता है कि जिस तरह से गहलोत को एक कदम नीचे जाकर और राजेश मान माफ कीजिएगा कि सचिन पायलट को एक कदम ऊपर आकर राजनीति करनी पड़ी है, यहां भी एक बीच का कोई ना कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। अगर ये रास्ता नहीं निकला तो मुझे ये लगता है कि हाईकमांड की देरी की वजह से चार और लोग, कुछ एमएलए ऐसे हैं जो लगातार कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ बोलते रहे हैं, वो लोग प्रताप सिंह बाजवा के साथ सुर मिलाकर खड़े हो जाएंगे। शमशेर दूलो ने तो इतनी तक बात कह दी है कि जो पार्टी प्रधान सुनील जाखड़ है वो शराब माफिया से मिले हुए हैं। अब मान लीजिए कि पार्टी के बड़े बड़े नेता जो राज्यसभा में बैठे हैं ये हल्ला मचा रहे हैं, तो लोगों को तो यही लगेगा ना कि पार्टी का अपना जुलूस खुद ही निकल रहा है। मुझे आपको रोकना पड़ रहा है, मैं क्षमा चाहती हूँ।